आबकारी टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध शराब की पेटियां ले जाते हुए दो युवकों को पकड़ा है। आबकारी की टीम ने दोनों युवकों को प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़ी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा भोपाल बाईपास से होकर उज्जैन बाईपास तरफ जा रहा है। आबकारी टीम ने RTO कार्यालय के पास ट्रैक्टर ट्रॉली रोकी तो अंदर शराब की पेटियां रखी नजर आई। ट्रैक्टर सवार दोनों लोगों ने अपना नाम जितेंद्र पिता मान सिंह राजपूत और युवराज पिता सागर सिंह राजपूत दोनों निवासी खटाम्बा बताया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वह उज्जैन बाईपास पर किसी को शराब की डिलीवरी देने जा रहे थे, उससे पहले ही आबकारी टीम ने दबोच लिया। ट्रॉली से 20 पेटी देसी मसाला शराब और 10 पेटी देसी प्लेन शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 1,30,000 रुपए बताई गई है। प्रेम नारायण यादव, आपका उप निरीक्षक देवासा। अभी जो वर्तमान में उपचुनाव चल रहे हैं लोकसभा, उसी में अपने देवास जिले के बागली विधानसभा में भी चुनाव, उसी के तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारियों एवं कलेक्टर महोदय देवास द्वारा अवैध मदिरा के जो परिवहन विक्रय करने वाले लोगों के विरुद्ध विशेष अभियान चला रहा, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर ट्रायली से भोपाल बाईपास से उज्जैन की तरफ अवैध मदिरा का परिवहन हो सकता है। उसी मुखबिर सूचना के आधार पर हमने RTO ऑफिस से कुछ दूरी पर एक ट्रैक्टर ट्रायली को रोक के चेक किया गया, जिसमें 20 पेटी देसी मदिरा प्लेन और 10 पेटी मसाला बरामद की गई, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,30,000 रुपये है, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम जितेंद्र है, दूसरा युवराज, दोनों निवासी खटाम्बा।